अभी पता नहीं कैसा होगा, अभी स्टार्ट होगी भी कि नहीं। अभी फिर ये देखो ऐसे बंद हो जा रही, तुरंत बंद हो जा रही। सो गाइस, जिसको मैं बोल रहा था थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना है, तो ये थ्रॉटल बॉडी है, मतलब इंजन का हार्ट। ये है अपना फ्यूल इंजेक्टर। तो भाई अभी कहानी में आ गया, तो इस मतलब के समझ गए थे हमारी गाड़ी बन गई है। मैं निकल गया था लेके, टेस्ट वेस्ट भी कर लिया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ, लेकिन जैसे घर के लिए लेके निकला वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। व्हाट्सअप एवरी वन, माई सेल्फ दर्शन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं राइड्स ऑन एक्सपल्स। तो दोस्तों, आज का थोड़ा जो काम होने वाला है ना, मतलब ऐसा समझो कि हमारी एक्सपल्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया है। उससे मतलब क्या प्रॉब्लम आया वो मैं आपको बता दूँ, तो पहले आप ये क्लिप देख लो जो कि मैंने कल रात को निकाली है। गाइस, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि गाड़ी को अभी मैं स्टार्ट करूँगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे देखो RPM इसका स्टेबल है अराउंड 1500 पे। अभी थोड़े टाइम गाड़ी चालू रहेगी, थोड़े टाइम में अपने आप गाड़ी बंद पड़ी जाएगी। अभी आपको शायद देखो ये बंद हो गई, फिर से एक बार ट्राई करते, थोड़ी देर चलेगा फिर बंद पड़ी जाएगी। और चलाने के टाइम पे क्या हो रहा है ना, इसका RPM मतलब ऑटो मतलब ऑटोमेटिक मैं रेस पकड़ के रख रहा हूँ, समझो 3000 RPM पे अगर मैं रेस पकड़ के रख रहा हूँ ना, तो भी वो चलाने के टाइम पे झटके मार दिए गाड़ी, वो हो रहा है। ये देखो फिर बंद हो गई। तो जैसे कि अभी आपने ये क्लिप देखी, इसमें आपने देखा कि बाइक जो है ऑटोमेटिक बंद पड़ रही है, और ये मतलब समझो मैं बोलूँ तो 1 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 5 से 6 बार बंद पड़ रही है। और जब हम नॉर्मल चला भी रहे ना, तो भी ना बाइक झटके मार रही है, ये प्रॉब्लम तो है ही। और प्लस मुझे इसका लग रहा है कि टैपिड में नॉकिंग आ रहा है। उसका तो चलो कोई इशू नहीं, टैपिड वगैरह वो लोग चेंज कर देंगे, सेटिंग कर देंगे, उसका तो कोई इशू होगा नहीं। बट ये क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, गाड़ी क्यों बंद पड़ रही है, क्योंकि अगर ये थोड़ा प्रॉब्लम सीवियर हुआ तो शायद थ्रॉटल बॉडी में कुछ इशू हो सकता है या फ्यूल पंप में भी कुछ इशू हो सकता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, उनको जाके बताऊँगा क्या इशू है, वो खुद चला के देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। और जो भी गाड़ी में काम होगा मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइस, अभी सर्विस सेंटर के लिए मैं निकल गया हूँ, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि अभी गाड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है लो RPM पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना पड़ेगा। भगवान जाने यार, एक दिन में क्या गया, कल से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। जब तक इसको ऑटो चॉक सिस्टम काम कर रहा है ना, तब तक चालू रहती है। जैसे आइडियल RPM पे आती है ना, झटके मारिएगा, RPM सीधा छोड़ देता है। गाड़ी गाड़ी मतलब गर्म होने के बाद टैपिंग का आवाज आ रहा है, और फिर गाड़ी जो बंद हो रही है घड़ी घड़ी, उन्होंने भी चेक किया तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका थ्रॉटल बॉडी खोल के क्लीन करना पड़ेगा, शायद उसमें कचरा होगा फ्यूल वगैरह में, तो वो करेंगे और फ्यूल पंप क्लीन करेंगे। और बाकी जो टैपिंग का नॉकिंग उन्होंने बोला वो नॉर्मल है, तो वो अगर देखेंगे, वो अगर सेटिंग किया तो ठीक है, तो अपनी गाड़ी का भी काम चालू होने वाला फटाफट। सो गाइस, अभी अपनी गाड़ी का काम चालू हो गया है। भाई ने बोला कि थ्रॉटल बॉडी अभी खोलेंगे, और अपने भाई ने काम चालू कर दिया, योगेश भाई भी साथ में कर रहे। तो भाई देखो यहाँ पे अपना थ्रॉटल बॉडी ओपन हो रहा है। सो गाइस, जिसको मैं बोल रहा था थ्रॉटल बॉडी क्लीन करना है, तो ये थ्रॉटल बॉडी है, मतलब इंजन का हार्ट। तो देखो एक बाजू से एयर जाता है और फ्यूल का मिक्सचर जो है दोनों जो है पिस्टन में जाता है, तो ये है थ्रॉटल बॉडी अपना। तो भाई लोग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काला काला पूरा, ये है ना एक्चुअली पूरा कचरा है, तो इसी की क्लीनिंग की बात चल रही है। लेकिन गाड़ी इतनी बंद नहीं पड़नी चाहिए सिर्फ इतने कचरे की वजह से, तो अभी देखते हैं अंदर और क्या क्या निकलता है। चेक कर रहे हैं, मतलब अभी कनेक्ट किया है देखो बाइक को, तो अभी ये चेक कर रहे हैं कि बाइक में मतलब और कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, तो वो अभी चेक हो रहा है कनेक्ट होके। तो भाई अपनी गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो गया। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम यही था कि अपनी जो थ्रॉटल बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन और बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया था,
जो उन्होंने पूरा क्लीन किया दोनों तरफ से, जहाँ से एयर जाती है वहाँ से भी, जहाँ से फ्यूल जाता है वहाँ से भी, पिस्टन के पास में जो जगह होती है जहाँ से फ्यूल जाता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमा हो गया था, तो वो भी उन्होंने क्लीन किया, दोनों क्लीन किया प्रॉपरली लगाया। अगेन उन्होंने अपना एयर फिल्टर भी क्लीन किया, रिले वगैरह क्लीन किया, फिर गाड़ी को कनेक्ट किया पीछे से, उसमें देखा कि अगर कुछ प्रॉब्लम है दिखाए तो वो भी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, एकदम प्रॉपरली अपनी गाड़ी। और जो मैं बोल रहा था ना कि मतलब थोड़ा नॉकिंग जैसा साउंड आ रहा है, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे गाड़ी आपकी चलती है वैसे ही आपके जो वेल्व के ऊपर जो टैपिड होता है उसमें प्ले आ जाता है, क्योंकि गाड़ी गर्म होती है ज़्यादा चलती है तो वो प्ले आ जाता है, तो वो आप चला वो नॉर्मल लॉकिंग है उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जब एकदम मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप चेंज करना, तो उन्होंने बोला टैपिड, वेल्व, लॉकर आर्म और टाइमिंग चेन, ये तीन से चार चीज़ जो है साथ में पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत अपनी थी बंद होने वाली वो हमारी सॉल्व हो गई है। तो भाई अभी कहानी में आ गया तो इस मतलब के हम समझ गए थे हमारी गाड़ी बन गई है, मैं निकल गया था लेके, टेस्ट वेस्ट भी कर लिया था, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ, लेकिन जैसे घर के लिए लेके निकला वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फ्यूल पम्प मतलब दूसरी टाके लगा के देखा डायरेक्टली, तो उसका कोई इशू नहीं था। फिर हमने फ्यूल इंजेक्टर, जो इतना छोटा पार्ट मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, वो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी चेंज करके देखा, उससे भी नहीं हुआ, वो भी हमारा सही है, फ्यूल पम्प भी सही है। फिर एक बाटला कॉइल होती है जो डायरेक्ट स्पार्क प्लग से कनेक्ट होती है, जिससे करंट पास होता है, क्योंकि करंट भी छोड़ पकड़ कर रहा है गाड़ी में, तो उसका भी एक इशू हो सकता है। तो बाटला कॉइल भी चेंज करके देखा, लेकिन उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी परफेक्ट है, फिर भी गाड़ी बंद हो रही है। अभी ये एक सेंसर है, मैं आपको बता दी ये किस चीज़ का, इसको बैड एंड सेंसर कहते हैं। बैड एंड सेंसर मतलब जब आपकी गाड़ी गिरती है तो गाड़ी बंद हो जाती है, आपको गाड़ी का स्विच बंद करके फिर चालू करके तो गाड़ी चालू होती है, तो ये बैड एंड सेंसर खराब होने की वजह से भी ये इशू हो सकता है। तो भाई लोग अपनी गाड़ी का काम हो गया, अपनी गाड़ी अभी कम्प्लीटली चल रही है, मैं खुद टेस्ट राइड लेके आया हूँ, मतलब एक राउंड मारा टेस्ट वेस्ट करके देख लिया। ये देखो भाई अभी अपनी गाड़ी का ना इवन आरपीएम भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, गाड़ी कब से चालू है 1500 पे ही है, मतलब नॉर्मल गाड़ी बंद भी नहीं पड़ रही, झटके भी नहीं दे रही, कुछ नहीं हो रहा, तो इससे पता चलता है। और इवन मैं चला के भी आया सेकंड गियर पे, पिकअप भी बराबर दे रही है, झटके भी नहीं मार रही है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया ऐसा समझो, क्योंकि इतना सारा कुछ काम किया, इतना झंझट मारी किया, लेकिन प्रॉब्लम किस चीज़ की थी मैं आपको ही बता रहा हूँ, प्रॉब्लम थी इस चीज़ की, ये है अपनी गाड़ी का स्पार्क प्लग। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ भी खराबी नहीं है, लेकिन पता नहीं इसमें कैसे खराब, मतलब देखने से तो कुछ पता नहीं चल रहा, इवन ये देख के पता चलता है कि गाड़ी की एवरेज भी अच्छी है, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन ये स्पार्क प्लग खराब हुआ था। अब नया स्पार्क प्लग डाल के चलाया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, गाड़ी अच्छे से चल रही है, अभी तक बंद ही नहीं पड़ी, जितना मैं पूरा राउंड मार के आया वापस सर्विस सेंटर में आया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया, मतलब इतनी सी चीज़ के वजह से क्या हो सकता, हम लोग ने क्या क्या नहीं किया, समझ रहे हो। तो भाई अगर ऐसा हो तो स्पार्क प्लग पहले चेंज कर लेना, वरना मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। अब तो अभी हमने ऑलरेडी सारा कुछ अपना जो गाड़ी का काम तो कंप्लीट हो गया, एंड ये सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स टू हीरो ऑटोमाइल, जो कि गोरेगा ईस्ट में जिनका सर्विस सेंटर है, सुबह से उन लोग मेरी गाड़ी के पीछे मतलब इतना काम कर रहे, एक चीज़ से नहीं हुआ, दूसरी चीज़ तीसरी चौथी पाँचवीं जितना हो सकता था उन लोगों ने पूरा कोशिश किया। सो स्पेशली मतलब मैं सही में बोलूँगा दिल से भाई थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना किया मेरे लिए। आप भी अगर यहीं यहाँ पर आते हो और अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो सीरियसली आपको अपनी गाड़ी का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, ये मैं बोल सकता हूँ आपको। मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं गाड़ी का मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस करता हूँ, सब कुछ करवाता हूँ, मैंने इवन गाड़ी को मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा, मतलब गाड़ी का इंजन अच्छा रखने के क्या क्या मेंटेन करना उसका भी एक अलग से वीडियो बनाया जिसकी लिंक यहाँ पे आएगी, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की थी, तो मैं सभी चीज़ें करता हूँ। इवन अगर वो स्पार्क प्लग मैंने जो अभी आपको देखा होगा उसमें ऐसा देख के लग नहीं रहा कि वो खराब हो गया, लेकिन फिर भी वो स्पार्क प्लग खराब निकला। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि मेरी गाड़ी में, मतलब मैं यही चाहूँगा कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मतलब मैंने एक्सपर्ट्स का ओनरशिप रिव्यू भी दिया है, तो ऐसा ना हो कि वीडियो देखे कोई बाइक ले एंड देन उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए, तो भाई मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो ये वीडियो देख के वो कुछ मतलब ऐसा कुछ अगर हो तो पहले वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करे ताकि उसका इतना टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइज ये वीडियो मैं अभी जो सर्विस सेंटर में यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सीधा घर पे जाऊँगा, ऑलमोस्ट 4:30 बज गए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।